मेरे साथ में है कमल जी। कमल जी, क्या प्रॉब्लम थी आप एक बार थोड़ा सा बताइए। मुझको साइटिंग का प्रॉब्लम था, कमर से लेकर पूरा पैर के बॉटम तक दर्द जा रहा है। मतलब कमर से दर्द पूरे बॉटम मतलब एंड तक जा रहा था, पूरा एंड तक। तो अभी बताएंगे कैसा है सर? पहले से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। उधर बताइए कैसा लग रहा है? पहले से बहुत ज़्यादा रिलीफ है, मतलब पहले मैं झुकने में पहले से झुक नहीं पाते थे, पैर को उठा नहीं पाते थे और पैर में अकड़ाहन मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी। बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, काफ़ी हद तक क्लियर होती है, पेन मैनेजमेंट होता है, काफ़ी हद तक चीज़ें निकलती है, लेकिन उसको परमानेंटली हमने ठीक करना है। आजकल तो आप जानते हैं कि खान पान लोगों की चलना, लोगों का पेट खराब होना, लोग तो बेल्ट नाभि की तरह बांधते ही यहाँ पर हैं, आधी हिप बिल्कुल हिप के नीचे ही बांधते हैं ना लोग। तो अभी ध्यान रहे, हमने जो तीन एक्सरसाइज टोटली जो बताई थी पेन मैनेजमेंट के लिए, तीन एक्सरसाइज और हमने बताई है पेन मैनेजमेंट के लिए, तीन प्रकार की एक्सरसाइज और सिर्फ तीन प्रकार की, और वो अलग है जो जिस व्यक्ति को साइटिका और खासकर बैक में दर्द रहता है, तो उन व्यक्तियों को तीन तीन प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अभी आप देखिए, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा करवट लीजिए इस वाले पैर का, ये हमें इधर लेके जाना, ठीक है। अभी आप इस घुटने को नीचे लगाने की कोशिश कीजिए, आप जरा देखिए इनको हम कैसे दे रहे हैं। इस हाथ को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए, ऐसे उस हाथ को भी सीधा कीजिए। इस वाले जो पैर है लेफ्ट वाला, उसको हम ये ऐसे करके नीचे स्वयं लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। सेकेंड इसको याद रोकेंगे, हम इसको सीधा करेंगे आराम से, फिर इसको मोड़ेंगे, फिर हम इसको यहाँ आगे लेके जाएंगे इस प्रकार से। ये जीन्स पहन रहे हैं ध्यान रखना, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं आप? गोविंदपुरी से आ रहे हैं, तो ठीक है। एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज होती है, इसमें भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कंफर्टेबल हमारा क्लॉथ रहना चाहिए, ठीक है, वैसे ही कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं इनको। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, हल्का सा चेक कीजिए, ये पैर थोड़ा जितना सीधा रहे उतना ठीक है। इसको हम हल्का सा ये अपने आप स्वयं करेंगे, कीजिए आप इसको ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दूसरी दोनों को तीन तीन बार लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद में ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को हम इस पर लगाएंगे, इस पर लगाइए, सीधा कीजिए इस पर, ठीक है। दोनों के इसमें हम इसको रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये इधर से घूम के इधर लगाओ, इस पैर को ज़्यादातर सीधा रखेंगे, लगाइए घुमाइए, ठीक है। फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे, इसको उस पर रखेंगे, ठीक है, लगाइए, और इसको हम इधर रखेंगे। ये भी हम तीन तीन बारी करेंगे, ठीक है। मुँह सीधा रखिए, उस हाथ को सीधा रखिए, जो ये वाली चीज़ है इसमें उसको हम लगाएंगे, और इसको कोशिश करेंगे ये ऐसे हो जाएगी, यहाँ खिजावट पड़ रही है, ठीक है। ऐसे हम इसको भी तीन तीन बारी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तीन तीन बारी। फिर उसके बाद में हम हल्का सा पैर मोड़ेंगे इस प्रकार, ठीक है, ऐसे। कोई भी बॉल, कोई भी हैवी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ इसमें रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके पास लगे नहीं पैर, ठीक है। अभी हम इनको बोलेंगे कि इस चीज़ को दबाओ, दबाओ जी, दबाओ, प्रेशर लगाइए, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि इसको ऐसे दबाइए पूरा कागज से, ऐसे फिर खोलिए थोड़ा सा, फिर दबाइए ऐसे 20-30 बारी, ये भी करना, ये तीन प्रकार की एक्सरसाइज। फिर खोलिए, फिर दबाइए, थोड़ा इससे मोटा तकिया हो या कोई बॉल हो या कुछ भी ऐसी चीज़ सॉफ्ट हो, जैसे ये चीज़ यहाँ, ये यहाँ तक इतनी खुद है इतनी, फिर उसको हमने ऐसे दबाना है, प्रेस को खोलना है, फिर इसको ऐसे दबाना है, प्रेस को खोलना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तीन एक्सरसाइज हमारे बैक के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और साइटिका के लिए भी बहुत अच्छी हैं, आप इनको कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है आप हमारे पास सीधे आ जाइए, कोई भी प्रकार के अगर दर्द नहीं हट रहा, कोई पुराना दर्द है, साइटिका हो, सर्वाइकल हो, बैक पेन हो, फ्रोजन शोल्डर हो, नी पेन हो, इन प्रकार चार से पाँचों प्रकार के पेनों को हम मैनेजमेंट करने में बहुत माहिर हैं और आपको कम्प्लीट क्योर करेंगे, चाहे जैसे मर्जी करें।
जो भी एक्सरसाइज करनी है उसको बहुत तरीके पर तरीके से करना है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगानी, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना, एक्स्ट्रा कोई एक ओवरडोज नहीं देना, ठीक है।